पहुंच गई हूँ रथ के मेले में फ्रेंड्स, और आपको घुमाते हैं रथ का मेला। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। देखते जाइए, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इधर जलेबी और इधर ये सब बहुत ज़्यादा धूमधाम मची हुई, और इधर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो सावधानी भी मुझे बहुत बरतनी पड़ेगी क्योंकि मैं अकेली ही आई हूँ। और ये देखिए मूंगफली बुन रही हैं, गरम गरम एकदम मूंगफली बुन रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भैया जी हर बार की तरह यहाँ पर बैठे हैं। और ये रहा पौधों का बाजार, और भी है आगे। आज पहला दिन है रथ का और ये एक हफ्ते तक चलेगा मेला। और इधर बिक रही है पानी पूरी, सभी की फेवरेट पानी पूरी, आप देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, और सभी लोग लाइन लगाएंगे अब खाने के लिए। ये देखिए इतना बढ़िया झूला लगा है, और धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ती जाएगी, भीड़ जो है बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, काफ़ी भीड़ हो जाएगी। देखिए बच्चों के लिए तो बहुत मस्त मेला है ये, सभी के मम्मी पापा छोटे छोटे बच्चों को टाइम दे पाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये देखिए, ये देखिए बच्चों की बाहर बच्चे मजे ले रहे हैं, मस्त मेला है, मस्त। ये भी सब लोग आए हुए हैं, सबके मम्मी पापा खड़े हुए हैं, किसी की दादी खड़ी हुई है, क्या मस्त मेला लगा हुआ है, वाह मजा आ गया। ये देखिए एक घंटे हम बैठ सकते हैं, हम ही पहुँचते पा रही मैं भैया जी से पूछ रही हूँ मैं क्या बैठ सकती हूँ झूले में, तो भैया जी बोल रहे हैं हाँ तो चलिए, बच्चे झूले पे बैठे हैं और मैं बच्चों के साथ झूले पे बैठ गई हूँ। ये देखिए बच्चों के साथ बड़े जी बैठे हैं, मैं बैठ गई हूँ। और ये देखिए मैं भी झूले में बैठ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत क्या मजा आ रहा है। दो दिन बाद बैठी हूँ, छोटे बन में बैठी थी और अब बैठ रही हूँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है झूले में, और लगता है मुझे चक्कर भी आ जाएंगे। डर नहीं रहेगा बेटा, झूले पे बैठी थी मैं, उतर गई हूँ, अब दूसरा बैच तैयार हो गया है बैठने के लिए। सब प्लास्टिक के फूलों की दुकान है। ये गरम गरम जलेबी, गरम गरम जलेबियों का आनंद लीजिए फ्रेंड्स। किस किस को जलेबियाँ खानी है भाई बताओ। ये देखिए लाल लाल जलेबी एकदम गर्मा गर्म, गर्मा गर्म जलेबी। ये अचार की दुकान, तरह तरह के अचार बिक रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत बड़ी दुकान है अचार की, जहाँ देखो वहीं भीड़ है। बस मैं वीडियो बना ले रही हूँ जैसे तैसे करके, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अपने तरीके के लोग मिलते हैं देखने को, बड़े मज़े की बात है ना, भगवान ने कितने मुखौटे बनाए हैं
लोगों का अलग अलग है, कहीं भी चले जाओ लाखों लोग में करोड़ों लोग देख लो, कोई भी एक जैसा नहीं होगा, बहुत कम है। इक्का दुक्का मिल जाएगा डुप्लीकेट, बट सब अलग अलग है। सब भगवान ने क्या मतलब क्या बताया। ओ यहाँ पर भुट्टा पापड़ यही सब, आज के दिन पापड़ जरूर खाते हैं सब, रथ के मेले में आकर के पापड़। और ये देखिए ताबड़ तोड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बहुत भीड़ है आज। बस मैं वीडियो बनाने आई हूँ, आज खरीदूंगी बाद में। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर, ये सब बेंत से बनाया हुआ है ना, बेंत ये चीज बेंत का है, ये काठ का है, ये तो लकड़ी का है, ये बांस बम्बू का है। अच्छा बांस बांस, देखिए कितने सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। बांसे रहते बस और बेंत कम और लकड़ी यही कोटा आज देखिए। और कितना अच्छा अच्छा बनाया हुआ है, बांस से बनाया हुआ है, बांस और बेंत और लकड़ी। ये बड़ा शिव मंदिर है, অভাব নেই, কিন্তু জগন্নাথ দেব হলেন তিনি खींच रही हूँ। और ये पौधा मैंने खरीदा रथ के मेले में से, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं ले पाई। और अभी एक हफ्ते तक रहेगा मेला, तो मैं बाद में जा कर के कुछ पौधे और लेके आऊँगी।